बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको टॉप 5 कॉमन शॉर्टकट कीज़ बताने जा रहा हूं एक्सेल में, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली शॉर्टकट कीज़ होंगी। तो ईजीली इसका तरीका क्या होगा मैं आज आपको इसके अंदर समझाऊँगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया हुआ, यहाँ मैंने वर्कबुक इंसर्ट हुई हुई है। यहाँ सबसे पहले कॉमन जो शॉर्टकट कीज होती है, यानी अगर हमने कोई वैल्यू टाइप की हुई है या कोई टैक्स वगैरह लिखा हुआ है तो उसमें कंट्रोल अप, जैसे हम फर्स्ट सेल के ऊपर हैं किसी भी डेटा पे टैक्स है या भले वो वैल्यू टाइप हुई है, तो कंट्रोल के साथ राइट एरो से आप सबसे लास्ट सिलेक्शन पे आ जाएंगे कॉलम, कंट्रोल डाउन तो जी डेटा की जो एंट्री आपने की हुई है या डेटाबेस जिस पर आप काम कर रहे हैं सबसे लास्ट सेल पे आना चाह रहे हैं, इसी तरह फर्स्ट सेल पे आना चाह रहे हैं फर्स्ट कॉलम के लास्ट सेल पे, तो इस तरह से कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल अप डाउन लेफ्ट राइट से आप उस डेटा के फर्स्ट में लास्ट में स्टार्ट के फर्स्ट लास्ट में एंट्री में जा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई ब्लैंक वर्कबुक होती है तो ब्लैंक वर्कबुक में आप यहाँ से कर्सर रखते हैं कंट्रोल डाउन एरो तो सबसे लास्ट पे रॉ आ जाती है। यहाँ जैसे 10,48,000 से ज़्यादा तकरीबन एक्सेल के अंदर रॉ होती है, तो कंट्रोल अप वापस ब्लैंक वर्कबुक में कंट्रोल डाउन अप लेफ्ट राइट से क्या होगा आपका फर्स्ट सेल लास्ट सेल इसके ऊपर जंप कर जाते हैं। और अगर कोई डेटा आपने बनाया हुआ होगा तो इससे कंट्रोल डाउन अप लेफ्ट राइट इस तरह से फिर आप उसके लास्ट सेल के ऊपर जंप कर सकते हैं। इसी तरह एक और मैं एंट्री बता दूं, दूसरी सेकंड जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली शॉर्टकट कीज है, बेस कोई डेटाबेस पे काम कर रहे तो उस वक्त हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वो होगा सेकंड, आपको मैं बता रहा हूँ मंथ लिखकर हमने ब्रैक किया है। अब अगर हम यहाँ कोई भी एंट्री करते वक्त टैब यूज़ करते हैं और फिर टैब यूज़ करते हैं जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो सेकंड रो की जो स्टार्टिंग एंट्री होगी यानी फर्स्ट सेल सेकंड रो का उधर कर्सर जंप कर जाता है। देखिए जैसे ही इंटर किया हमने क्या हुआ, जैसे ही इंटर करेंगे तो सेकंड रो की जो एंट्री होगी वहाँ फर्स्ट पोजीशन पे कर्सर आ जाएगा। और ये तो आपको पता ही होगा एक्सेल को यूज़ करते हुए अगर हम नॉर्मल कोई भी एंट्री करते हैं तो इस तरह से कोई वैल्यू वगैरह अगर जैसे हम टाइप करते हैं तो एंटर से डाउन साइड पर कर्सर आता है। तो इस तरह से जब डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं या कोई डेटा एंट्री कर रहे हैं तो इसको हम यूज़ करते हुए फिर टैब प्रेस करेंगे नेक्स्ट, और जैसे ही स्टार्टिंग पे यहाँ कर्सर लाना चाह रहे हैं एंटर मार देंगे लास्ट वाली पोजिशन में आके, यानी लास्ट वाले सेल से जब आपको स्टार्टिंग पोजिशन में आना है तो डायरेक्ट एंटर से आप कॉलम के फर्स्ट सेल के ऊपर आ जाएंगे सेकेंड रो में। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल थी, फर्स्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरह से हम यहाँ से इसको डाउन अप लेफ्ट राइट से जंप कर सकते हैं, और सेकंड मैंने आपको बता दी ये एंट्री करते वक्त हमें काफ़ी हेल्पफुल ऑप्शन रहता है इसका जो मैंने बताया है और बहुत ज़्यादा यूज़ करने में आता है। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया लास्ट सेल में आके एंटर प्रेस कर देंगे। एक और दफ़ा मैं समझा देता हूँ, देखें यहाँ जैसे नॉर्मल एंट्री हो रही है हमारी, टैप प्रेस किया फिर टैप देखें यहां पर एक और एंट्री करी, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं यहां पे, देखें अगेन दोबारा से हमने अलग अलग वैल्यू दी, जैसे ही लास्ट पे आएंगे यहां वैल्यू टाइप करके एंटर तो ये जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी फिर हम वहां पर आ जाएंगे। तो इस तरह से इसको यूज करते वक्त आप ये ऑप्शन हेल्पफुल रहता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा एंट्री के वक्त। अब जैसे मिसाल के तौर पे इन तमाम वैल्यू को हमें प्लस करना है, थर्ड एग्जांपल जो होगी वो ये है कि इन सबको प्लस करके देखना है तो ऑल सेलेक्ट करें और नीचे वाली जो ब्लैंक रो आ रही है इसको भी सिलेक्ट कर लें आप, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो इसको सिलेक्ट करते वक्त आप ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो यहाँ इनका लास्ट के अंदर क्या होगा टोटल आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप एक साथ करना चाह रहे हैं डाउन साइड और राइट इस कॉलम के लास्ट में भी आप चाह रहे हैं प्लस होकर आ जाए तो हम रिकॉर्ड हमारा ये तो हमारा पूरा रिकॉर्ड कंप्लीट होगा जो टोटल आ रहा होगा, और ये हमारा रेगुलर अगर डेली बेसिस का डेटा है कोई तो उसके लास्ट में उसका
टोटल आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि राइट साइड और डाउन साइड दोनों तरफ से आ जाए, पूरी सिलेक्शन बनाए, ऑल्टर इक्वल सम की शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। तो डाउन साइड और राइट साइड टोटल आपके यहाँ पर सिलेक्शन बनी हुई आ रही है, और इसको आप प्लस करके सम करके प्लस कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर एंट्री करी सीरियल, चौथा जो एग्जाम्पल है शॉर्टकट की इसके अंदर वो ये बताना था कि आप यहाँ पे जैसे कोई कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सिलेक्शन बनाए टॉप के पास से, और उसकी शॉर्टकट की होती है कॉलम एंट्री करने की कंट्रोल शिफ्ट प्लस इस तरह से। इसी तरह अगर रॉ ऐड करनी है तो रॉ के पास से सिलेक्शन बनाए कंट्रोल शिफ्ट प्लस इस तरह से, और अगर माइनस करना है तो कंट्रोल माइनस, जैसे नहीं चाहिए तो कंट्रोल माइनस। अब जैसे ये सिलेक्शन में कंप्लीट रॉ की बनाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए क्या होता है शिफ्ट प्रेस करके राइट साइड एरो प्रेस कर रहा हूँ मैं, सिलेक्शन बन रही है। अगर मैं शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो प्रेस करूँगा तो पूरी कंप्लीट रॉ सिलेक्ट हो जाएगी, और फिर कंट्रोल माइनस। इसी तरह मैं ये कॉलम क्लियर करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन कंट्रोल माइनस, ये पूरा कॉलम क्लियर हो जाएगा कंट्रोल माइनस। तो ये चौथी शॉर्टकट की थी इसके अंदर जो मुझे बतानी थी इस वीडियो में आपको, और लास्ट शॉर्टकट की जो इस वीडियो के अंदर मुझे आपको बतानी थी वो है टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, या फिर डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। इसके लिए मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड शॉर्टकट दिखाना चाह रहा हूँ, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है वो आपके सामने ओपन कर रहा हूँ ताकि इसकी जो शॉर्टकट की है वो आपको सामने स्क्रीन पर मैं बता दूँ किस तरह से हम यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्रेस करके रखना है, कंट्रोल प्रेस करेंगे यहाँ और ये कॉलन का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक, तो डेट इंटर हो जाएगी। और इसी तरह अगर टाइम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल क्लिक करेंगे, शिफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉलन दबा देंगे, तो इस तरह से डेट इंसर्ट हो गया कंट्रोल कॉलन, और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से टाइम इंसर्ट हो जाएगा। और ये देख लीजिएगा जिस जगह कर्सर रखा हुआ होगा सिलेक्शन, उस सेल के अंदर ये टाइम और डेट इंट्री करा जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगर अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उस चैनल को शाह इस्लाम यूट्यूब सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।